क्लास 8 फ्रॉम सीबीएसई एंड एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट की बुक के हर एक पेज को एक्सप्लेन करेंगे विथ प्रैक्टिकल और ये भी बताएंगे कि रैशनल नंबर कहाँ से आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं रैशनल नंबर एग्जैक्ट आया कहाँ से, ठीक है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक नेम होता है रियल नंबर, याद रखिएगा रियल नंबर्स, ये आपको क्लास 10th में मिलेगा। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की टू टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं फादर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर, दिस इज माय थॉट, क्योंकि पूरे नंबर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबरों का फादर रियल नंबर है, याद रखिएगा। अब रियल नंबर टू ही टाइप्स के होते हैं जिसके अंदर सभी आ जाते हैं। एक होता है रैशनल, तो यहां से आपका ये रैशनल आया, और दूसरा होता है इरेशनल, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हम फुल डिटेल यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अब रैशनल क्या होता है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रैशनल नंबर मीन्स होता है अ नंबर, इसका डेफिनेशन करें फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि रैशनल क्या है। तो रैशनल क्या है, रैशनल अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्लियर। मतलब एक नंबर, अगर अ नंबर यानी कोई नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। या आप अपनी लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप ये बोल दीजिएगा, आप इसे नोट करिएगा जो अभी हम बोल रहे हैं, वी कैन राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब यहाँ पी और क्यू क्या है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर क्यों बोलें, क्योंकि इंटीजर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, और हम अपॉन प्लस में भी देखते हैं और माइनस में भी देखते हैं, इसलिए इंटीजर लिखिएगा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इसके बाद सभी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ये जो क्यू है वो क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हम इसके रीज़न भी देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई, क्यों, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो फिर रैशनल नंबर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये बात याद रखिएगा। और ये जब क्यू ज़ीरो होगा तो क्या बन जाएगा, इरेशनल, ठीक है। और ये पूरे नंबरों का यूनिवर्स है, या होल बोल सकते हैं, होल मीन्स होता है ब्रह्मांड, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे क्यों लिखा। तो एक नंबर लाइन लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन शो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपरली सभी क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, ऐसा नहीं है। नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इन्फिनिटी से, माइनस के साइड से, और एंड कहाँ पे हुआ है, प्लस इन्फिनिटी में, जिसको कोई नहीं जानता। और इधर से नंबर आते हुए भाई कहाँ से, मिलियन ट्रिलियन से आते हुए, ऐसे आते 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 कभी ना कभी ये माइनस 10 ज़रूर हुआ होगा, माइनस 9, इसलिए माइनस जितना ग्रेटेस्ट होगा उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए तो बोलते हैं कि ये आपका जितना माइनस ग्रेटर होगा उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है भाई। ए बी सी डी, अगर हम ए बी सी डी की बात करें तो 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ए कौन से नंबर में, 1, तो श्योर हम बोलेंगे कि ए जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट अल्फाबेट है, ये वैरिएबल है, सिंपल सी बात है। और जेड 26 नंबर में आता है तो ये आपका ग्रेटेस्ट अल्फाबेट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। वैसे ही जब नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो जो यहाँ पे होगा फर्स्ट में वही सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन कोई नहीं जानता वो कौन सा नंबर है क्योंकि इन्फिनिटिव है। -6, -5, -4, -3, -2, -1, अब ये ज़ीरो आता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 1, 2, 3 --, इट्स ऑन, लास्ट तक वो चली जाती है, ठीक है। अब ये ज़ीरो है, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले हम रैशनल तो बताते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आपने क्वेश्चंस 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं रैशनल नंबर के बारे में। मान लीजिए हम आपको दे दें 2 + 3 / 5, तो आप क्या करते हैं,
आप इस नंबर के नीचे वन लिख लेते हैं या नहीं राइट करते हैं? करते हैं नहीं करते, सिर्फ इतना बताइए, अपान वन करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो क्या हम इन सभी नंबरों के बीच अपॉन वन नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते, सिर्फ इतना बताइए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स आपको नंबर लाइन में दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं? रैशनल नंबर। क्या हैं सभी? रैशनल नंबर, याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में अंदर चलते हैं। अब आपको समझ में आ गई बात, रैशनल किसे बोलते हैं। अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर। अगर आपसे कोई बोले कि ज़ीरो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ज़ीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। क्या? न्यूट्रल नंबर, हमेशा याद रखिएगा। ज़ीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर। ज़ीरो के इस साइड के जितने भी नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अभी इंटीजर में भी गेम है, ये आपका निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर्स, इसे हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। चलिए इंटीजर भी आप समझ गए, लेकिन याद रखिएगा ज़ीरो इज नॉट एन इंटीजर। ये भी याद रखिएगा, ज़ीरो इज नॉट एन इंटीजर। एक ही ऐसा नंबर है जो इंटीजर नहीं होता, नॉट एन इंटीजर। अब ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो फिर रियल नंबर की जगह तो इंटीजर ले लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं है इंटीजर? रियल नंबर क्यों नहीं बोल सकते? इसे फादर क्यों नहीं बोल सकते नंबर का? क्योंकि इंटीजर और क्या क्या नहीं होते वो भी हम आपको बता देते हैं। ज़ीरो क्यों इंटीजर नहीं है? बिकॉज ज़ीरो कैन बी, ज़ीरो नीदर कर देते हैं, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। भाई ये ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव। अगर आपसे कोई डिस्कस करे तो आप ये आंसर उन्हें बोल दीजिएगा, ठीक है? चलिए ये तो हो गया, और ज़ीरो को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। अब आपसे कोई बोले कि सर और कौन से होते हैं जो इंटीजर्स नहीं होते, तो अगर आपका आपके पास डेसिमल नंबर है 1.2, 3.5, 7/8 या 0.2, मतलब डेसिमल वाले जितने नंबर होते हैं इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। ये भी याद रखिएगा, एन इंटीजर ये कभी भी इंटीजर नहीं होते, ठीक है? चलिए ये हो गया। अब और बातें करते हैं, क्योंकि आपके बुक में भी है जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं ये तो बेसिकली आप जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और जो स्टार्ट फ्रॉम वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है? मतलब आप क्या बोलेंगे? होल नंबर अगर आपसे कोई डिस्कस करके तो आप क्या बोलेंगे? अ नंबर कैन स्टार्टेड फ्रॉम वन जीरो टू इन्फिनिटिव इज कॉल्ड होल नंबर। लिख लीजिएगा, अ नंबर स्टार्टेड फ्रॉम वन टू इन्फिनिटिव इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। चलिए ये भी क्लियर हो गया, आपने रैशनल भी जान गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने इस इरेशनल, आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए, इरेशनल क्या होते हैं? जिसे हम अपॉन फॉर्म पे नहीं लिख सकते, राइट ही नहीं कर सकते, जिसे हम अपॉन फॉर्म पे राइट नहीं कर सकते। आप यहीं पे डेफिनेशन देख लीजिए, अ नंबर दैट कैन नॉट बी, यहाँ पे आप नॉट कर दीजिए, कैन के प्लेस पे यहाँ पे नॉट कर दीजिएगा और पूरा लिख दीजिएगा ये स्टेटमेंट। कहाँ तक? यहाँ तक, इसके आगे बिल्कुल भी मत लिखिएगा, क्योंकि ये इरेशनल में आएगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही तक लिखना है। जब वो अपॉन में नहीं लिख सकते तो भाई इंटीजर बताने की क्या ज़रूरत है, क्लियर? चलिए, और आपसे अगर कोई बोले कि रैशनल कितने टाइप्स के होते हैं, तो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पाई, सेकंड रूट से न निकलने वाले हर एक नंबर इरेशनल होता है। रूट से मतलब जैसे रूट टू बाहर नहीं आ सकता, जिसका स्क्वायर रूट न बने, या क्यूब रूट, आप थ्री यहाँ लिख लीजिए, यहाँ फोर कर दीजिए, मतलब वो रूट से अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बना वो इरेशनल होगा। और थर्ड जो रिपीट ना करे, जैसे 1.2, 3, 5, 7, 2, 8, 9 और ये डैश डैश, और हम इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, सिर्फ थ्री टाइप्स के ही इरेशनल होते हैं, ठीक है? देखिए बाद में कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे कोई हैवियर, अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं मैथ, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर आपसे बोलें कोई आइडेंटिटी बताइए रैशनल नंबर का, तो आप क्या बोलेंगे?
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बुक में मेंशन नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं एडवांस मैथ पढ़ना चाहता हूँ, तो आइडेंटिटीज ऑफ रैशनल क्या होते हैं, पहचान क्या है रैशनल की, तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर है टर्मिनेट, वो टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट मतलब डिवाइड हर हाल में होना चाहिए। अगर हम आपसे बोल दें 2/5, तो ये अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ये इसकी आइडेंटिटीज है। और दूसरा टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड रिपीटिंग, रिपीटिंग। अब ये दो नेम इसके सबसे बड़े आइडेंटिटीज हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई बोले आइडेंटिटीज ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट इज द आइडेंटिटीज ऑफ रैशनल नंबर, तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोल सकते हैं आप, रिकरिंग। ये ICSE यानी मतलब इंटरनेशनल में इसे रिकरिंग बोला जाता है, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं, हमने यहाँ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किया। ये देखिए इरेशनल में यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, 1.35। देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा बार बार, लेकिन आपने कभी डिवाइड, आप कैलकुलेटर का यूज़ करिएगा, किसी का भी डिवाइड करिए, क्योंकि आपने अपॉन कर दिया ना, कैलकुलेटर में आप इरेशनल नहीं लिख सकते कभी भी नहीं, सिर्फ टाइप कर सकते हैं, डिवाइड तो होता ही नहीं है क्योंकि अपॉन ही नहीं कर सकते। चलिए लेकिन यहाँ पे हम देखें रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन आप कैलकुलेटर में देखिएगा कोई भी नंबर से आप डिवाइड करिए, जो डिवाइड आपके पूरे स्क्रीन में आएगा कहीं ना कहीं वो ज़रूर रिपीट करेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा 2727 बार बार आएगा वो, ठीक है, ये बात है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीट। तो ये रैशनल में आएंगे, और जो रिपीट नहीं करते वो इरेशनल में आते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं बुक में। अब देखिए आपके बुक्स में कितने चीज़ें कंप्लीट हो गई। आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, नेचुरल नंबर जान गए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड रैशनल नंबर। होल नंबर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity इज कॉल्ड होल नंबर। चलिए ये भी कंप्लीट। इंटीजर, ये देखिए लिखा है, डू यू सी व्हाई वी रिक्वायर द -13 इज, यहाँ लिखा है विच इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर वो नहीं होते। होल नंबर क्यों, क्योंकि होल नंबर 1 से 0 से स्टार्ट होते हैं, इधर तो जाते ही नहीं है होल नंबर, यहाँ से स्टार्ट होके इधर चले जाते हैं, ना तो नेचुरल हो सकते हैं ना तो होल हो सकते हैं। और निगेटिव को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। आप इसे नंबर भी नहीं बोल सकते, हम लोग बोलते हैं जनरली, बोलते हैं, नहीं बोलते -8 नंबर, -7 नंबर, नो, दिस इज रॉन्ग। अगर आप एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा जितने भी माइनस होते हैं, -1, -2, -3, -4, इन नंबरों को क्या बोलते हैं, और कॉल्ड इंटीजर। आप नंबर बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ये इंटीजर इसीलिए तो नेम आया। और अगर आप नंबर को ही पसंद करते हैं, सर मैं नंबर में ही बोलना चाहता हूँ, तो ये सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। ये एडवांस मतलब एडवांस मैथमेटिक्स है, याद रखिएगा, इससे हम कभी भी नंबर नहीं बोल सकते। हम जनरली बोलते रहते हैं, वो हमारी अलग मैटर है, लेकिन अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो -1, -, जितने भी नंबर्स होते हैं उसे आप इंटीजर बोलेंगे या तो फिर इमेजनरी नंबर बोलेंगे, ना कि नंबर। नंबर आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, होल नंबर 0 से और नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक, इस साइड। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इंटीजर्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं रैशनल नंबर, वो तो हमने सबसे बेस्ट डिफाइन कर दिया है, आपको यहाँ फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका -7 है और यहाँ 5 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, P एंड Q इज एन इंटीजर, इसीलिए यहाँ पे हमने राइट कराया। ये देखिए P एंड Q क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अब बात करते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम आपके नेक्स्ट पेज में दिखा देते हैं, इसके बारे में डिस्कस है। होल नंबर हमने एक्सप्लेन कर दिया है, होल नंबर क्या है, एडिशन, तो ये इसकी आइडेंटिटीज है, हम अभी प्रॉपर्टीज भी फॉलो सॉल्व करेंगे, बस आप देखते चलिए। यहाँ पे होल नंबर जब भी आप यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, नंबर को 0 से इन्फिनिटी तक। देखिए 0 + 5 इज अ होल नंबर, 4 + 7 इज अ होल नंबर, सिंपल बात है, 4 + 7 11 आएगा, तो आपका होल नंबर हुआ। तो यहाँ होल नंबर की ही बातें आ रही हैं, आप माइनस तो यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि होल नंबर है, माइनस तो आएगा नहीं। लेकिन जैसे हम सबट्रैक्ट करते हैं तो 5 - 7, अभी हम ये भी बताएंगे कि सब्ट्रैक्शन
और डिवीज़न क्यों एक्सेप्ट नहीं होता। अभी हम ये भी बताएंगे। हमेशा आप देखिएगा इस प्रॉपर्टीज़ में जो एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव और आइडेंटिटीज़ हैं उसमें सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न क्यों नहीं होते, सिर्फ दो के ही प्रॉपर्टी क्यों होते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स, इंटीजर देखिए, तो इंटीजर में आप सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे, तो एडिशन में एक्सेप्ट हो रहा है। देखिए भाई, -7 -5 इज एन इंटीजर, ऐड किया गया तो एक इंटीजर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन, 7 -5 2 आया, वो भी इंटीजर है। 5 -7 करेंगे तो भी इंटीजर है। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी राइट होगा, क्योंकि 5 × 8 करिए, चाहे आप 2 × -3 करिए, तो भी एक इंटीजर ही आएगा, तो इंटीजर एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे देखिए, 5/8, यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए 5 से 8 को डिवाइड करिए, क्यों लिखा है कि ये इंटीजर नहीं है, क्या यहाँ पे कहीं पे जवाब है? नहीं है। देखिए 8 से आप 5 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, तो आंसर क्या आया, 0.6। फिर आगे भी आएगा और आया क्या, ये देखिए 0.8, तो क्या एक इंटीजर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि डेसिमल इज नॉट एन इंटीजर, कभी नहीं होते। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे देखते हैं। रैशनल नंबर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ट्राई दिस दिया है, तो जब तक हम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये पेज नंबर हम देखते हैं 5 में, ये आ गया आपका कम्युनिकेटिव। तो इससे पहले हम ये बताएंगे कि क्यों ऐड का होता है, क्यों मल्टीप्लिकेशन का होता है, बाकी सभी में नॉट क्यों लगे हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लें। तो चलिए प्रॉपर्टीज में आते हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है आपका, पहले प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करें अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, कम्युनिकेटिव। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो आते हैं दोनों को हम एक साथ ही बता देते हैं, किसके लिए, ऐड और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए। एक ही प्रॉपर्टी में आपका ये क्लियर हो जाएगा क्यों डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होते। ठीक है, चलिए। कम्युनिकेटिव मतलब होता है घूमना वहीं वहीं पे, मतलब हमारे पास कोई दो नंबर है तो उसको आप राउंड कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लें, अगर हम आपसे बोलें कि 2 और 3 को ऐड करिए, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, आंसर बताइए फटाक से। 5 ही बोलेंगे ना, लेकिन आपके ब्रेन ने कैसे ऐड किया? अगर हम आपसे बोलें कि 2 और 3 को ऐड करिए, तो आपने कैसे ऐड किया, तो अपने ब्रेन से पूछिए, तो आपका ब्रेन ज़रूर जवाब देगा कि मैंने 2 में 3 को ऐड किया। चलिए ठीक है, मान लिए 5 आया आंसर, ठीक है, लेकिन आपने ऐड क्या किया, 2 में 3 को। अब मान लीजिए हमने नहीं किया, तो आपने 2 में 3 का ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, ठीक इधर, और हमने कैसे ऐड किया, 3 में 2 को ऐड कर दिया। तो क्या हमारे आंसर रॉन्ग हुए? नहीं, हमारे दोनों के आंसर सही हैं। तो 2 में आप 3 को ऐड करिए, चाहे 3 में 2 को ऐड करिए, क्या आंसर रॉन्ग आ रहा है? नहीं। तो इसका मीन्स हुआ कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और यहाँ पे ले लेते हैं बी, यानी ए में अगर हम बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, क्या हमारा आंसर कभी चेंज होगा? नहीं। तो ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। अगर आपसे कोई बोले कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ का फार्मूला बताएं, तो आप क्या बोलेंगे, a + b = b + a, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या इफेक्ट होगा? नहीं, दोनों इक्वल होंगे। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लाई। अब यही क्वेश्चन अगर ले लें, हम आपसे बोलें 10 में 5 का इंटू करिए, तो आप बोलेंगे सर 10 × 5 = 50। अब मान लीजिए हमको पसंद नहीं आया, हमने 5 में 10 का इंटू कर दिया अपोजिट साइड से, इधर से, तो क्या 5 × 10 = 50 नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इसका अगर हम फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, a × b = b × a। ये आपका फार्मूला रेडी, किसका, कम्युनिकेटिव का। मतलब क्या हम इधर से इंटू करते हैं और इधर से पीछे साइड से इंटू करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। अब हम यहीं पे ही बात कर लें कि ये दो साइन ही क्यों ऐसे होते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या? तो चलिए सब्ट्रैक्ट चेक करते हैं। अगर हम 2 - 3 करें और
इसे अपोजिट कर दें, 3 - 2 कर दें, तो क्या इनके दोनों के आंसर सेम आएंगे? जैसे इसमें 2 और 3 को ऐड किए 5 आए, और 3 + 2 को ऐड किए तो भी 5 आए, दोनों इक्वल हैं। 10 में 5 के इंटू किए 50 आया, 5 में 10 के इंटू किए तो भी 50 आए, तो दोनों इक्वल है ना। यहाँ भी ये दोनों इक्वल है, लेकिन क्या इसे देखें क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती है? तो 2 - 3 - 1 और 3 - 2 - 1 क्या इक्वल है? नहीं है, इसीलिए तो सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आपसे कोई बोले कि क्यों नहीं ऐसा कर सकते, तो सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती भाई, सिंपल। अब डिवाइड में आते हैं, 2 डिवाइड, मान लीजिए हमने 10 लिख लिया, ठीक है, इसमें अगर नहीं समझ में आता तो इसमें देख लीजिए, और 10 divide 2 कर लेते हैं। तो देखिए 2 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 2/10 करें तो आपका 0.2 आया। आप डिवाइड करके देख लीजिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। क्लियर? अब क्लियर हो गया। चलिए, मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का क्यों प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हमने एक्सप्लेन कर दिया, और प्लस और इनटू का ही क्यों होता है आपके सामने है आंसर। अब आते हैं दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलिए, एसोसिएटिव में ये होता है कि अगर हम 2 की जगह में 3 ले लें, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, अब 3 लेते हैं। चलिए बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने आपसे बोला कि 2 में 5 को ऐड करिए और 10 में भी ऐड करिए, बताइए कितना आंसर हुआ। और अपने एक फ्रेंड को भी ले लीजिए और उसे भी बोलिए कि आप ये 2 इसको ऐड करिए, इसी को ही, तो आप ऐड करें तो कितना आया बताइए? 17, इसमें भी 17 आया, लेकिन आपने ऐड कैसे किया ये सोचिए। आपने ऐड कैसे किया, मान लीजिए आपने ऐड किया तो आपने क्या किया, 5 और 2 को ऐड कर लिया, उसके बाद 10 का इंटू किए, 10 को ऐड किए, तो आपने पहले किसे ऐड किया? 2 + 5 को, तो ब्रैकेट कर लीजिए ना भाई, 1/1 ना ऐड करेंगे। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड क्या किया, 10 और 5 को ऐड कर दिया पहले, उसके बाद 2 को ऐड किया, तो क्या आंसर गलत हो गया? नहीं, तो यही तो है आपका एसोसिएटिव, सिंपल। मतलब ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने आगे से ऐड किया, पीछे वाले नंबर को बाद में किए, आपका फ्रेंड क्या किया, पीछे से 2 नंबर ऐड कर लिया, उसके बाद आगे वाले को ऐड किया, तो आपका फार्मूला क्या बन गया? इसी तरह a + b + c = a + b + c। आपने a + b को पहले ऐड किया, आपके फ्रेंड ने b + c को पहले ऐड किया, तो ये आपका बन गया फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का ये चल रहा है, अब सेम है, एसोसिएटिव ही है, अब वही बात है कि आपके फ्रेंड ने, आपने पहले 2 का इंटू कर दिया, c को बाद में किया, और आपके फ्रेंड ने a को इंटू नहीं किया, b और c को इंटू पहले कर दिया, सिंपल। जैसे एग्जांपल में 2 में हमने बोला 5 का इंटू करिए और 10 का इंटू करिए, तो आपने 2 5 + 10 कर दिया, और फिर 10 10 = 100, और आपके फ्रेंड ने क्या किया, 2 का इंटू नहीं किया, 5 * 10 कर दिया, 10 5 = 50, 52 = 100, यानी दोनों के रिजल्ट तो सेम है, सिंपल। तो ये हुआ आपका एसोसिएटिव। अब आपकी बुक में एक पेज में दिया है, पेज नंबर 10, ये लास्ट में लिखा है द रोल ऑफ जीरो, एंड पेज नंबर 11 में दिया है द रोल ऑफ 1। तो ये द रोल ऑफ 1 और 0 जो हैं वो कोई रोल नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ ही हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके? आपके थर्ड नंबर हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज़। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटीज़, मतलब उसकी पहचान। जैसे हमने अभी आपको रैशनल और इरैशनल की पहचान बताई, वही है आइडेंटिटीज़, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटीज। और इधर आपका क्या चल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, इसे बोलते हैं आइडेंटिटीज। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपकी पहचान क्या है? TIES है यहाँ पे, ठीक है, आपकी पहचान क्या है? एप्लीकेटिव, सही है। आपकी आइडेंटिटीज क्या है? ड्रेस है ना, वैसे ही ऐसा कुछ करिए कि उसकी पहचान नहीं हटनी चाहिए, ये बताइए ऐड में। हमने यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स लिए,
पहले टू वेरिएबल्स लिए ए बी, और फिर क्या किए थ्री वेरिएबल्स लिए। चलिए इसमें से एक वेरिएबल कोई सा भी ले लेते हैं, ए हमने लिया, क्या लिया ए। अब आप इसमें भाई एडिटिव कर रहे हैं ना, तो प्लस का साइन तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। तो आप ये बताइए ए में क्या ऐड कर देंगे कि इसकी पहचान नहीं हटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ये ए ही आए। अब यही बताइए मल्टीप्लिकेशन में ए में क्या इंटू कर दें यहाँ पे कि उसकी पहचान नहीं हटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि सर ए में जीरो ऐड कर दीजिए तो ए ही रहेगा, ए में सर वन इंटू कर दीजिए तो उसकी पहचान नहीं हटेगी। तो इस यही तो है रोल ऑफ जीरो एंड वन का, यही तो है उसकी पहचान, एडिटिव आइडेंटिटीज। ए में जीरो ऐड करेंगे तो ए ही होगा, मल्टीप्लिकेटिव ए में वन का इंटू करेंगे तो ए ही होगा। कुछ हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए आपसे बोला जाए माइनस टू अपॉन थ्री, हमने हैवी ले लिया, इसमें आप क्या ऐड करेंगे कि ये वही रहेगा, श्योर है जीरो, क्या कोई इफेक्ट हुआ नहीं, क्लियर। और इसमें माइनस टू अपॉन थ्री भाई इंटू वन करेंगे तो भी वही आएगा, ये इसकी पहचान हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एक फोर्थ है, आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, उसको ही बता देते हैं। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, इनवर्स, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको ज़रूर नोट करिएगा, आपके फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। इनवर्स इसको बोलते हैं, और होगा आपकी बुक में तो और अच्छी बात है, देखेंगे। एडिटिव इनवर्स कुछ भी आप करिए लेकिन जीरो आना चाहिए, इसे इनवर्स बोलते हैं। कुछ भी आप करिए, जैसे अभी हमने पहचान बताया, इसमें आप कुछ भी करिए, जो भी आपको मिले आंसर आपका वन आना चाहिए। हमने यहाँ यूज़ किया पहचान के लिए, और उसी का अपोजिट कर देंगे तो ये जीरो वन आ जाए। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस टू अपॉन थ्री, अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, जीरो आ जाए। तो भाई वही जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा उसके आगे जो साइन है उसको पलट दीजिए, यहाँ पे कौन साइन है माइनस, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए टू अपॉन थ्री कर दीजिए। अब आप सॉल्व करके देखिए कट जाएगा, जीरो आ गया। अब इसी को यहाँ पे लेके आइए, माइनस टू अपॉन थ्री को आप यहाँ पे क्या करेंगे, वन आ जाए, तो श्योर है हम इसे क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे, इसको ऊपर कर दीजिए, साइन को बिल्कुल ही मत टच करिएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो थ्री ऊपर हो गया और टू कहाँ गया नीचे, सॉल्व करके देख लीजिए वन आएगा। मतलब इसमें आप क्या करेंगे रेसिप्रोकल, और इसमें आप क्या करेंगे साइन चेंज, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं साइन चेंज, और इसमें आप क्या करेंगे जो भी नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट करना। तो आपके फोर आइडेंटिटीज हमने एक्सप्लेन कर दिया, और यही आपकी बुक में अवेलेबल भी है, ठीक है। यहाँ पे हम वन बाय वन शो भी कर देते हैं, ये यहाँ से हमने स्टॉप किया था। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते, डिवीजन क्यों नहीं होंगे, ठीक है। इंटीजर्स भाई सब्ट्रैक्शन को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और डिवीजन को भी नहीं करेगा, चाहे वो इंटीजर हो चाहे कुछ भी हो। एसोसिएटिव सिर्फ एक कम्युनिकेटिव सिर्फ एक्सेप्ट करेगा ऐड और मल्टीप्लिकेशन को, क्यों नहीं करेगा क्योंकि हमने उसकी बजाय यहाँ पे आपको शो कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव, हमने थ्री नंबर्स लिए, आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव के अकॉर्डिंग है, हमने एक साथ यहाँ पे दिखा दिया। ये देखिए प्लस के लिए भी किया, एक्सेप्ट सिर्फ ऐड को होगा, सब्ट्रैक्ट नॉट अलाउड, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल, और डिवीजन नॉट अलाउड, साफ है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, उसकी वजह हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स, तो हम जानते हैं इसके बाद एसोसिएटिव क्यों नहीं होता सब्ट्रैक्ट, तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और आगे देखते हैं द रोल ऑफ जीरो, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, द रोल ऑफ वन भी कर दिया। चलिए अब कुछ देखते हैं आपके एग्जांपल्स, क्योंकि हमें इसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल फर्स्ट, देखिए थ्री अपॉन सेवन है, रहने दीजिए। और मैथ में एक बात याद रखिएगा, हमेशा दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है। देखिए जैसे फाइंड है, इन सब के बीच इंटू का साइन है, ये सभी के बीच इंटू का साइन है, तो ये प्लस और ये ब्रैकेट के बीच भी इंटू का साइन है। तो प्लस में माइनस के इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो सिक्स अपॉन इलेवन,
ये प्लस में माइनस का इनटू, क्योंकि इनटू का साइन है तो ये माइनस आ गया 8/21। फिर ये प्लस है, ये नॉर्मल है, आगे तो साइन है ही नहीं है 5/22। अब एक बात याद रखिएगा, आपके पास कभी भी रैशनल नंबर हो, कभी भी, और उसके बीच प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, कोई भी, इन दोनों में से कोई भी साइन हो, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। तो हमें 7, 11, 21, 22 का एलसीएम करना है। तो हम आपके बुक से हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गिवन है 462 आया, ठीक है। ये आपका एलसीएम है किसका, 7, 11, 21 एंड 22 का। इसके बाद आप क्या करेंगे, वो प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। 7 में 462 का आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जितना भी रिमाइंड है, चलिए करके एक दिखाई दे रहे हैं, 462 में 7 का डिवाइड करिए, तो 7, 6 या 42, रिमाइंडर 4, 7, 6 या 42, 63, 66। अब 66 को आप टेक करिए और सबसे ऊपर ले जाके इनटू कर दीजिए, क्या करेंगे, इनटू, तो 6, 3 जा 18 और 6, 3 जा 18, 1, 19। अब समझ में आ गई बात, 11 का इसी तरह इसमें डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसका 6 में इनटू करेंगे, तो इनटू करने में 252 आ रहा है, हमने प्रोसेस आपको समझा दिया। 21 का भी डिवाइड आप इसमें करेंगे, जो भी आएगा उसका 8 में इनटू करेंगे, तो आपका आ गया 176। फिर सेम 22 को भी आप डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, 22 कर देते हैं, 22 टू 44, 2 रिमाइंडर, 22 1 जा 21 आया, 21 5 जा, तो 21 को ऊपर लिख जाएंगे और 5 में इनटू करेंगे, 5 1 जा 5, अब 5 2 जा 10, 105, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस है, जहाँ पे आगे साइन ना हो उस प्लस, दो साइन आपको मैथ में कभी देखने को नहीं मिलेंगे जनरली, जैसे हमने लिख दिया 2x, तो देखिए आगे कौन साइन है, प्लस, जो नहीं दिखाई देता, और दो चीज़ों के बीच कौन साइन होता है, अभी हमने आपको बताया इनटू, ये दो साइन आपको बहुत मतलब दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और माइनस माइनस, नंबर प्लस होते हैं साइन वही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब इसको कंप्लीट करने में हमें कितना मिला, 125/462, ये आपका आंसर है। हमने आपको बता दिया क्या करेंगे, 195, 98 को 105 में ऐड करिएगा और इसे इन दोनों को ऐड करिएगा, चलिए हम कर दे रहे हैं, 198 + 105, 303, ठीक है। अब नेक्स्ट है 252 + 176, आपका आ गया, अब साइन वही रहेगा, 428/462, दो, अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन दोनों में ग्रेटर कौन सा, ये, इसलिए माइनस साइन आया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए एग्जांपल 7 को हम यहीं पे ही कंप्लीट कर देते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा और रूल्स याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि अगर प्लस माइनस हो तो आप क्या करेंगे, एलसीएम, यही करेंगे लाइफ में, जब तक आप पढ़िए आपको यही करना है, जब भी आप पाएँ यही करिएगा, कभी मत, अपने आप को चेंज मत करिए। और अगर इनटू का साइन है तो ये एक सिंगल ऐसा साइन है रैशनल नंबर के बीच जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, इसमें कभी नहीं कट कर सकते, इस 3 से आप, मतलब अगर इस 21 कैंसिल हो रहा है तो कभी मत कट करिए, कभी भी नहीं, कट सिर्फ इसी साइन में होते हैं, एकदम अपने ब्रेन में भर लीजिए, ठीक है, कभी भी नहीं, यही बस एक साइन है जिसमें कैंसिल होता है, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो सीधे इनटू होता है, एकदम फ्रंट टू फ्रंट, न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर। अब देखिए हम कट करते हैं यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से ये 5 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब बताइए कितना सॉल्ट हो गया, ख़त्म हो गया सीधे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ पे माइनस साइन है, अब माइनस का माइनस में इनटू कर दीजिए, क्या हो गया, प्लस, और सिर्फ 2 बस हमें दिख रहा है, अरे यहाँ 4 भी है, इसको भी कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लो यहाँ पे हमें मिल गया 1, और डाउन साइड देखिए सिर्फ हमें 2 दिख रहा है। चलिए आपको आंसर दिखा रहे हैं, ये देखिए एग्जाम्पल 2, आंसर 1/2, कंप्लीट। और अगर आप प्रॉपर्टीज से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और एक प्रॉपर्टीज़ और है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़, तो डिस्ट्रीब्यूट कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन अगर नेम मेंशन है तो हम उसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना,
जिसे हम बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी अगर ऐड के लिए देखें तो ये है सीधे, ए बाहर रख लीजिए और बी प्लस सी कर लीजिए एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन साइन है, इनटू। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का बी में ए बी इनटू कर देंगे क्योंकि यहाँ इनटू का साइन है, प्लस ए में सी का इनटू करेंगे तो ए सी। यही है आपका डिस्ट्रीब्यूट, और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, ऐड के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये एक ही फार्मूला है, क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। नाउ एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, किसके भाई, साइन तो दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन का है, यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस फाइव फोर अपॉन फाइव इंटू वन है, वन को गौर से देखिए, ठीक है, इसका हमने इसमें इंटू किया, फिर वन का इसमें कर दिए, मतलब कम्युनिकेटिव, राइट। देखिए 10 का 5 में इंटू किए या 5 का 10 में इंटू किए, तो बात तो एक ही है ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव। तो आप फर्स्ट में आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट क्या लिखेंगे, ए इंटू बी आर बी इंटू ए इज कॉल्ड कौन सी प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड भी हमें सेम दिख रहा है, देखिए माइनस 13/17 इंटू माइनस 2/7, फिर माइनस 2/7 इंटू माइनस 13/17, तो सेकंड इज आल्सो भाई, इसे हम ए अगर ले लें और इसे बी ले लें और इसे बी ले लें और इसे, ये तो आगे ही ये दिख रहा है, तो इस कॉल्ड आल्सो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों तो सेम ही हैं। तो ये अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो आपके लिए और बेस्ट होगा। थर्ड नंबर देखते हैं, माइनस 19/29 इंटू 29/19 माइनस 19, तो ये कैंसिल होने के बाद ये क्या आ गया, वन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनवर्स, क्योंकि इनवर्स है, देखिए अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ अपोजिट। तो हमने इनवर्स कहाँ पर पढ़ा है आपको, ये है मल्टीप्लीकेटिव, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, देखिए इसका अपोजिट हुआ तो हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो थर्ड नंबर में लिखिए ए इंटू, ये ए है मान लीजिए, तो हमने ए को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, देखिए इस तरह है, तो हमने वन को ऊपर कर दिया और ए को नीचे कर दिया, तो भाई ये दोनों कैंसिल होकर क्या मिल गए, वन। तो इसे क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स। हम सोचे ये तो प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6। वही बात हो गई ना, हमने आपसे क्या बताया कि आप पहले दो का इंटू कर दिए, बाद में आपने लास्ट वाले का इंटू किया, और आपके फ्रेंड ने क्या किया, पहले बैक वाले का इंटू कर लिया, फर्स्ट वाले को बाद में किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव। इसी में हम बात कर रहे थे ना कि आपने दो को पहले आपने इंटू कर लिया, बाद में सी को इंटू किया, फिर आपके फ्रेंड ने पीछे साइड से इंटू कर लिया, बाद में ए को इंटू किया, तो इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज शो करनी है, तो आप लिख दीजिए सोल्यूशन सेकेंड, तो आप क्या लिखेंगे, आप डायरेक्टली लिखेंगे यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि हमने यहां, हम यहां पे देख रहे हैं 1/3 को हम मान लेते हैं ए इंटू, इसे 6 को बी मान लेते हैं इंटू, लेट करते हैं 4/3 को सी। तो अगर हम इधर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू बी साथ में है इंटू के लिए और सी आपका आउटसाइड है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, अरे प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, दो आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, चलिए लेते हैं, लेट टू रैशनल नंबर नंबर्स आर
मान लीजिए हमने लिया माइनस टू अपान थ्री इंटू, एक और ले लेते हैं एंड कर लेते हैं, एंड मान लीजिए फाइव अपान सिक्स कर लिए, ठीक है, प्रोडक्ट करना है, देयर प्रोडक्ट, चलिए मल्टीप्लाई करिए, माइनस टू अपान थ्री इंटू फाइव अपान सिक्स, तो हमने इंटू में आपको क्या बताया, कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। अब डिनोमेटर डिनोमेटर मत कट करिएगा, न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर कभी नहीं कट होते, कभी भी नहीं कट होते, और डिनोमेटर्स डिनोमेटर भी कभी कट नहीं होते, ठीक है। तो इंटू आप करेंगे तो फाइव में वन के इंटू करेंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया भी कि इंटू हमेशा सीधे होता है, फाइव वन जा फाइव, साइन क्या है माइनस, थ्री थ्री जा नाइन। अब बताइए हमने दो रैशनल नंबर को इंटू किया तो हमें तो एक रैशनल ही मिल रहा है। चलिए और एग्जांपल देते हैं, आपके माइंड में ये भी तो हो सकता है कि सर टेन भी तो रैशनल नंबर है, ठीक है, टू भी रैशनल नंबर है, ठीक है, इंटू करें टेन टू जा सर ट्वेंटी होता है, तो क्या ट्वेंटी रैशनल नंबर नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्यों, हम टेन के अपॉन वन भी लिख सकते हैं, टू के अपॉन भी वन लिख सकते हैं, ट्वेंटी के भी अपॉन वन लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम, इंटू करके भी देख लीजिए, वन वन जा वन, तो रैशनल ही बन मिला ना, और कुछ तो नहीं मिला। तो हम क्या मालूम किए कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज बिकम्स रैशनल नंबर, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स नंबर्स बिकम्स अ रैशनल नंबर, भाई वो रैशनल नंबर ही देता और कुछ नहीं दे सकता। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ फुल डिटेल के साथ विद प्रैक्टिकल। अरे हमसे एक मिस हुआ है जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, वेट वेट, हमसे एक मिस हुआ जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसके बारे में हमने सबसे बात की, वाई क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये देखिए दिया है टू अपॉन सेवन, ये तो सॉल्व है, ये लिखा है ए डिवाइड ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई क्यों क्यों? तो उसकी वजह ये है, याद रखिएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं, एनी नंबर्स, एनी नंबर्स डिवाइड बाय ज़ीरो या एनी वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड डिवाइड बाय ज़ीरो, इट्स ऑलवेज टाइम बी बिकम्स इन्फिनिटिव, भाई इन्फिनिटिव आएगा तो ये तो क्या बन गया, इरेशनल, रैशनल तो होगा नहीं, क्योंकि आप डिवाइड भी करके देख लीजिएगा इन्फिनिटिव कभी इसका आंसर नहीं मिलेगा। कैसे, मान लीजिए आपको बोले टू अपान जीरो, या हम यहाँ पे बोल दिए एक्स अपान जीरो, चलिए सॉल्व करिए इन्फिनिटिव आएगा। अब आप बोलें सर कैसे, थोड़ा सा करके दिखाइए, तो जीरो से आप डिवाइड करिए ना टू को, कितने टाइम्स पढ़ेंगे, वन टाइम तो भी जीरो आएगा, टू टाइम्स पढ़ें जीरो ही आएगा, ये टू ही आएगा, एक्स टाइम पढ़ें, हम जानते हैं कि आप बोलेंगे सर एक्स टाइम भी होता है, बिल्कुल होता है, मैथ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, टू जीरो में एक्स का इंटू करिए तो भी जीरो, तो क्या टू कभी ख़त्म होगा, नहीं, और ये आना कभी ख़त्म होगा, नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, इन्फिनिटिव। सो दिस एक्सरसाइज 100% कम्प्लीटेड, कुछ भी चीज़ इसमें लेफ्ट नहीं हुआ इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।